चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर्स के मिसेल पॉइंट को पढ़ने वाले मिसेल्स क्या होती है इसको विस्तार से हम लोग जानेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने कोलाइड का प्रकार पढ़ा दिया था और उसी में आया था संघनित कोलाइड में ही हम लोग जाने थे कि मिसेल्स क्या होती है। आज हम लोग विस्तार से समझेंगे मिसेल्स है क्या, आखिर मिसेल्स का दूसरा नाम क्या होता है, मिसेल्स कैसे काम करता है। समझो इस चीज को ध्यान से। अब देखो, मिसेल्स होता क्या बाबू, जब विलयन में सांद्रता, यानी सांद्रता का मतलब विलय के कणों की सांद्रता बढ़ा देते हैं तो उनके कण आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लो कि आपने किसी विलयन में नमक 100 ग्राम डाल रखी है, आपने 100 ग्राम के जगह पर क्या किया, 1 किलो चीनी डाल दिया, अच्छा 1 किलो आपने क्या किया, वहां पर नमक डाल दिया, तो यहां पर सांद्रता बढ़ गई है नमक की। इसका मतलब इनके कण आपस में मिलेंगे, संघनित होंगे, तो इसी संघनन की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल्स कहते हैं। मिसेल्स का दूसरा नाम साबुन का स्वच्छीकारक भी कहते हैं। यानी देखो, मिसेल्स कहने का बस इतना मतलब है कि आप साबुन क्रिया कैसे करता है, इस चीज को आप पढ़ने वाले हैं कि साबुन कैसे गंदगी को साफ करता है। तो इसको विस्तार समझ जानेंगे, मिसेल्स या साबुन का स्वच्छीकारक, यानी साबुन कैसे गंदगी को साफ करता है। अब देखो, मिसेल्स का मतलब आपको समझ में आ गई, इनके कण, यानी जब विलेय के कण आपस में संघनित होंगे, मिलेंगे, तो इसी घटना को हम लोग मिसेल्स कहते हैं या साबुन का स्वच्छीकारक कहते हैं। अब देखो, हमें जानना है साबुन कैसे काम करता है। देखो, साबुन का पहले सूत्र क्या होता है बाबू, ये समझो, साबुन का सूत्र C17H35COONA होती है, यानी C17H35COONA होती है। ये किसका सूत्र होता है, ये साबुन का सूत्र होता है। अब साबुन के सूत्र में ये जो C और H वाला जो मात्रा आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते हैं। यानी अगर साबुन के सूत्र में देखिए, सी और एच वाला जो आपका अणु है, यानी C17H35, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी ये वाला जो भाग होता है, ये पूंछ का काम करता है, यानी C17H35, ये COONA, ये साबुन का सूत्र होता है, तो इसमें ये वाला भाग पूंछ कहलाती है। किसका पूछ, तो हाइड्रोकार्बन का पूछ। क्यों, क्योंकि देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। तो कई कई किताब में इसका नाम हाइड्रोकार्बन पूछ कही जाती है, तो कई कई किताब में इसको सिर्फ पूछ कही जाते हैं, पूछ। यानी अगर साबुन में देखी जाए तो ये वाला भाग, यानी C17H35, C17H35, ये क्या कहलाती है, पूछ कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, पूछ कहलाती है। क्या कहलाती है, पूछ। और जो बचा भाग होता है उसको सिर कहते हैं। सिर का मतलब सीरा हो गया। जैसे एग्जांपल के थ्रू ये देखो, ये जो संरचना लिखी गई ना, ये संरचना लिखी गई है किसका, साबुन का सूत्र का संरचना है बाबू। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि है क्या। देखो इसमें ये जो सूत्र होता है, इस ये जो C17H35 है उसको पूंछ बोलेंगे, और ये वाला भाग को हम लोग सिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिर कहते हैं। क्या बोलेंगे, सिर कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इस पर जरा सा हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं, आखिर काम कैसे करेगा। काम करने की बात नहीं, फिर इसका पिक्चर देखो। देखो ये जो साबुन होता है, इसका पिक्चर इस टाइप से होता है, इस टाइप से। तो हाई वाला क्या होगा, पूंछ हो गया, और ये वाला भाग क्या होगा, सिर हो गया। यानी पूंछ का सूत्र होगा C17H35। हाई जो पूंछ है ना, देखो इसमें सब में आकार आप देख सकते हैं कि ये वाला जो गोला आपको दिखाई दे रही है, ये गोला आपका सिर हो गया, सीरा हो गया। लेकिन हाई जो पूंछ नीचे से निकला हुआ है, पूंछ हो गया, इसका सूत्र C17H35 मतलब C17 और H35 होगा, ठीक है ना। तो दो तरह की चीजें होती है साबुन में, क्या होती है, एक पूंछ होती है, पूंछ का सूत्र C17H35, दूसरा सीरा होता है जिसका सूत्र COONA। अब एक चीज आपको लग रहा होगा कि सर ये बताइए कि ये तो मान ली है पूंछ है, तो इस पूंछ का सूत्र C17H35 हो गया, लेकिन ये सिर है तो इसके अंदर आप माइनस क्यों लगाए हैं, इसके अंदर ये सिर के अंदर माइनस और सोडियम। देखो बाबू समझो ध्यान से, ये जो सिर होता है ना, ये सिर में दो चीज आप देख सकते हैं, COONA होती है, तो यहाँ पर COO जो होता है ना, ये माइनस होता है, जबकि Na क्या होता है, प्लस होता है। देखो ये गोला के अंदर माइनस लिखा गया मतलब ये COO है, लेकिन बाहर Na प्लस लिखा गया मतलब ये सिर पर सोडियम के कण है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे समझो, तो साबुन का सूत्र C17H35COONA होती है। इसमें क्या होता है कि C17H35 को हम लोग पूंछ बोलते हैं, जबकि COONA को हम लोग क्या बोलते हैं, सिर बोलते हैं, ठीक है ना। ये पूंछ जो होता है ना, ये पूंछ है, पूंछवा जोन होता है सब में, ये पूंछ क्या होता है, ये मैल से नहीं होता है, यानी पूंछ जब भी जाकर चिपकेगा तो मैल से चिपकेगा। फॉर एग्जांपल के थ्रू आप समझिए यहां पर,
कि आपका ये मान लीजिए कपड़ा है, ठीक है ना, तो ये कपड़ा में यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है, तो ये जो पूंछ है ना इससे आकर चिपक जाएगा। पूछवा क्या करेगा, गंदगी से आकर चिपकता है, यानी पूंछ हमेशा मैल सा नहीं होता है, यानी गंदगी से प्रेम करता है पूंछ, जबकि सिर जो होता है ना वो जल से नहीं होता है, सिर मतलब सी डबल ओ एन जो होता है ना ये जल से जाकर मिल जाता है, क्या होता है, ये जल से जाकर मिल जाता है, यानी जल को भी नॉर्मल बनाने का काम कौन करता है, सिर करता है, और साथ में जो पूंछ होता है वो गंदगी को जो सता रहता है कपड़ा में उसको नॉर्मल बनाने का काम करता है, और फिर खींचते हम लोग तो क्या होती है कपड़ा अच्छा से साफ हो जाती है। बस इतना समझो कि जो पूंछ होता है वो मैल से जाकर चिपक जाता है, जो सिर होता है मतलब जो सी डबल ओ एन होता है वो क्या होता है जाकर किससे जल से चिपक जाता है, जल से क्या होता है मिल जाता है, और वहां पर संगुणन की क्रिया हो रही है। देखिए कैसे ये जो पूंछ है ये मैल से मिल गया, मतलब यहां पर भी कण संगुणित हो रहे हैं, यहां जो सिर है वो भी जल से जाकर मिल गया, तो यहां भी कण आपस में संगुणित होना शुरू करते हैं, इसी को तो हम लोग मिसेल्स कहते हैं बाबू, समझ में आ रही है। यानी जो पूंछ होता है वो मैल से जाकर मिलता है, जो सिर होता है वो जल से जाकर मिलता है, यानी अगर ये कपड़ा है इसमें मान लो ये सब पूरा नीचे जल भरा हुआ है, ठीक है ना, इसके ऊपर गंदगी है, जैसे हम लोग साबुन यूज करते हैं तो साबुन का पूंछ गंदगी से मिल जाएगा, और साबुन का जो सिर होता है वो जल में जाकर मिल जाता है, जो पूंछ होता है वो गंदगी को नॉर्मल बनाने का काम करता है, मतलब फुला हो देता है पूरी तरह से, और उसके बाद खींचेंगे तो ये गंदगी आपस में क्या होती है बाहर निकल जाती है, तो इस तरह से ये साबुन काम करते हैं। देखो मिसेल्स का दूसरा नाम साबुन का सोक्षी कारक भी कही जाती है, क्या कही जाती है, साबुन का सोक्षी कारक है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी, ये चित्र कोई बड़ी चीज नहीं थी, इसमें बस दो चीजें दिखाई गई है कि साबुन जब हम लोग गंदे कपड़े पर यूज करते हैं तो उसमें दो ही चीज आती है, एक सिर आता है और दूसरा क्या होता है पूंछ आती है, तो पूंछ जो है ना ये पूंछ गंदगी से जाकर चिपकती है, और ये वाला जो सिर आपको सीधा दिखाई दे रही है ये जाकर हमेशा जल से चिपकती है, ऐसे ही काम होता है साबुन का, जैसे ही रगड़ेंगे उसका पूंछ गंदगी में चिपक जाएगा, गंदगी को साफ कर देगा, और जल जो सिर होता है वो जल से जाकर मिल जाता है। वही बात है आपको, ये चार भागों में मैंने मिसेल्स समझा दिया है कि मिसेल्स का सूत्र है, साबुन का सूत्र ये होता है, यानी ये वाला इसमें जो आधा भाग होता है वो पूंछ कहलाता है, दूसरा भाग होता है वो सिर कहलाता है, पूंछ मैल से चिपकता है जबकि सिर जल से जाकर चिपकता है, और इसको लोग मिसेल्स को सोक्षी कारक या साबुन का सोक्षी कारक भी कह सकते हैं। आई होप आपको मिसेल विस्तार से समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को हर जगह फैलाइए ताकि सारे बच्चे मिसेल्स को सिंपली तरीके से समझ सके। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बस आज किस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कोलाइड कैसे तैयार करते हैं, कोलाइड बनाने की कौन कौन सी विधियां होती है उसको पढ़ते हुए फिर मिलेंगे।